पे रुक जाना, ये वीडियो आपको आज रविवार के दिन, संडे के दिन ये सोचने पे मजबूर कर देगी मैं छोटी छोटी चीजों को क्यों छोड़ रहा हूं। अपनी लाइफ में बड़े एम को पकड़ने के चक्कर में मैं छोटी छोटी चीजों को क्यों छोड़ता चला जा रहा हूं। एक बार दो दोस्त आपस में निर्णय लेते हैं कि उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसों की कमी रहती थी, उन्होंने सोचा कि नदी के पास चलते हैं जहां पे कुछ शंख मिलेंगे, उसको बेच करके हम कुछ पूंजी कमा लेंगे। पहला दोस्त पानी के अंदर उतरता है और वो बहुत बड़े शंख उसका हाथ में लग जाता है और वो देख करके बहुत खुश होता है, और साथ ही जो दूसरा दोस्त होता है वो चीज देख करके थोड़ा सा जेलस फील होता है कि यार इसके पास बड़ा शंख हाथ में लग गया है, अब ये तो मेरे से ज्यादा पैसा कमा लेगा। और इसी बीच उसको भी शंख मिलना स्टार्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे शंख। अब होता क्या है, वो शंखों को देखता है छोटा है वो फेंक देता है, फिर दूसरा शंख छोटा मिलता है फेंक देता है, बस उसके माइंड में उस पहले दोस्त को जो बड़ा शंख मिला था उसी को देख करके वो इतना ज्यादा ललित हो चुका होता है कि एक बड़ा शंख मुझे मिल जाए तो मैं भी इसके बराबर पूंजी कमा लूंगा। तो इसी बीच जितने भी शंख उसको छोटे छोटे मिलते हैं वो फेंकता चला जाता है, और ऐसे करते करते 3-4 घंटे वो अपना निकाल देते हैं, और इसी बीच शाम होने को स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक जहां पे शंख खरीदे जाते हैं उसके पास जाते हैं, और ये देखते हैं जब वो बड़ा शंख देता है उस दुकानदार को तो उसको उसका 1,000 रुपया मिलता है, और उसी बीच उसके पास बहुत सारे छोटे शंख होते हैं और वो छोटे शंख सारे उसको देता है जिसका उसको 5,000 रुपये मिलता है। और ये चीज सोच करके जो दूसरा दोस्त होता है कि यार मुझे तो इतने सारे छोटे शंख मिले थे, अगर मुझे इतने सारे शंख मिले होते तो मुझे भी शायद आज 5,000 रुपये मिल जाते। तो वो पहला दोस्त ये बताता है कि जो शंख तू फेंकता चला गया उस शंख को मैं अपने पास उठाता चला गया, और इसी चक्कर में आज इतने सारे शंख मैं बेच रहा हूं वो भी 5,000 में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ एक ही चीज समझाना चाहूंगा कि हम अपनी लाइफ में एम तो बहुत बड़ा कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में ये बनना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच उस काम को पकड़ने के लिए हम छोटी छोटी चीजों को छोड़ते चले जाते हैं जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे जो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से उस बड़े एम पे पहुंचाएगी। तो मैं आपको ये चीज नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में छोटे काम करना स्टार्ट कर दो, लेकिन जिस बड़ी चीज के लिए आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको कोई भी चीज छोटी करनी पड़ सकती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को सर्कुलेट कर रहे हो, किस तरीके से अपनी उस छोटे छोटे से मौके को अपने हाथ में ले रहे हो जो आपको लगता है कि यूजलेस है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी लाइफ में सोचा कि यार मुझे आईएएस बनना है, तो मैं सोचूंगा कि मैं कोई छोटा काम नहीं करूंगा जो कि मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क कर जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमें उस तक पहुंचाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है उस छोटे कामों के लिए। आप आज गूगल, फेसबुक, जो भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं उन सभी के बैकग्राउंड को समझिए, उन सभी के बैकग्राउंड में उन सभी सीईओ या फाउंडर्स ने सारे छोटे काम किए हैं, बहुत छोटे छोटे काम। मैकडॉनल्ड के सीईओ ने 54 साल तक एक छोटी कॉफी मशीन बेचने का काम किया है, लेकिन जब वो इतना एक्सपीरियंस हो गया और जब एक ऐसे मुकाम पे वो पहुंच गया जहां पे उसको लगा कि अब मुझे एक मैकडॉनल्ड खड़ा करना चाहिए। केएफसी के फाउंडर को देखो, जिन्होंने 65 साल तक मेहनत करी उसके बाद उन्होंने अपनी एक बड़ी कंपनी बनाई। सो आज आपकी लाइफ में कुछ भी छोटी चीज हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज लग रही है कि यार ये बहुत छोटा काम है मैं नहीं कर सकता, तो वो शायद एक अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको नेगेटिव कर देती है, आपको उस लाइफ तक नहीं पहुंचाती जिस लाइफ के लिए आप बने हैं। तो सारे छोटे छोटे मौके को ग्रैब करो और अपनी लाइफ को उस तक पहुंचाओ जहां आपको पहुंचना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से शिलायुग पॉजिटिव के साथ।